republic was governed by the Sabha, because of which it was called the republic. In republic, all the power of house rested in the hands of the member. All the members sat in Sabha and all affairs were passed in the house by a vote of unanimity. The place where meeting was held was called a sanctum. राजशाही ने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करके अपनी शक्ति और साम्राज्य बढ़ाने की कामना की। इस लिच्छवी को देखते हुए वाजी, ग्याटोक, विदेह, शाक्य, मल 8 या 9 जनजाति ने अपनी सुरक्षा के लिए केंद्रीय राज्य की स्थापना की, जिन्हें वाजी राज्य के रूप में जाना जाता था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली संघ राज्य का मुख्य केंद्र थी। लिच्छवी की राजधानी वैशाली जो थी वो संघ राज्य का मुख्य केंद्र था। इसी प्रकार इसे वैशाली गणराज्य कहा गया है। इस कारण इसे गणराज्य कहा जाता है। गणतंत्र में घर की सभी शक्तियां सदस्य के हाथों में आराम करती है, मतलब उनके हाथों में सारी शक्तियां रहती है। सभी सदस्य सभा में बैठे थे और सभी मामलों को वोट या एकमत होकर वोट देना पड़ता है। जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जाती है और उसे गर्भगृह कहा जाता है, मतलब कि हमारे जैसे कैसे है कि वोट देते हैं और फिर चुना जाता है नेता, तो बस सेम तरह का जो वोट होता है, इलेक्शन होता है, वो तब था। द एल्डरली एज वेल एज द यूथ वेर सिलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली। द रिपब्लिकन्स इलेक्टेड देयर प्रेसिडेंट फॉर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हु वॉज चूजन बाय द इलेक्शन। In the republic, each member was considered as the king. Republics had their own councils in which many important issues like administration, defense, war, treaty, etc. were discussed and then decided. Any member could enjoy membership for a fixed time only. An executive committee assisted the president of a republic in the administration of the state. युवाओं के साथ साथ युवाओं को भी राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। रिपब्लिकन ने राज्य प्रशासन के लिए अपना अध्यक्ष चुना, जिसे चुनाव द्वारा चुना गया था। गणराज्य में प्रत्येक सदस्य को राजा माना जाता था। गणराज्यों की अपनी परिषद थी, जिसमें प्रशासन, रक्षा, युद्ध, संधि जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और फिर निर्णय लिया गया। कोई भी सदस्य निश्चित समय के लिए ही सदस्यता का आनंद ले सकता है, मतलब जैसे कि अपने यहाँ 5 साल के बाद जो चुटनी होती है, तो उसमें भी ऐसा ही था कि को एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है, फिर उसी में उनको वोट दिया जाता है, फिर इतना ही टाइम वो लोग अपनी कुर्सी पर रह सकते हैं। एक कार्यकारी समिति ने राज्य के प्रशासन में गणतंत्र के अध्यक्ष की सहायता की। मतलब हमारे में अभी कैसे है कि वोट देने के बाद ही नेता चुना जाता है, तो उसमें भी ऐसा होता है कि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, तो उसे गणतंत्र कहा जाता है। और उनका एक फिक्स टाइम होता है कि अगर वो लोग जीत गए तो फिर उन्हें इतने टाइम तक वो होदा संभालना है, मतलब उस कुर्सी पर बैठना है। फिर टाइम खत्म होने के बाद दूसरा चुनाव होता है, फिर दूसरे लोग को चुना जाता है। थिंक, कैन द रिपब्लिक्स ऑफ एंशियंट इंडिया बी रिप्रेजेंटेड एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट? What is the similarities between the republics of ancient India and today's democracy? मतलब कि क्या प्राचीन भारत के गणतंत्रों को लोकतांत्रिक राज्य के रूप में दर्शाया जा सकता है? प्राचीन भारत के गणतंत्र और आज के लोकतंत्र में क्या समानता है? सोच रहा हूँ, ये सब चीजें आप सोचो थोड़ा। सोशल लाइफ एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ रिपब्लिक स्टेट। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, पीपल ऑफ दिस टाइम लिव्ड इन अ सिंपल हाउस। They were associated with the pastoral activity. At this time, crops like wheat, rice, barley, sugarcane, sesame, mustard, cereals were grown. People might have been using clay vessels, specially because archaeologists have found some of these vessels. Some of the pottery found at this time had drawing on them. These utensils were painted in a grey color. आप ये मिट्टी का जो वेसल है वो देख सकते हैं, जो पुराने जमाने में जो लोग होते हैं वो मिट्टी के वेसल का यूज करते थे। तो आगे हम इसके बारे में और जानते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो कि पुरातत्वविद हमें कहते हैं उसे, कि उनके अनुसार इस समय के लोग जो साधारण घरों में रहते थे, सिंपल घर में रहते थे,
वे देहाती गतिविधियों से जुड़े थे। इस समय गेहूं, चावल, जौ, गन्ना जिसे हम शुगर कैन कहते हैं, समुद्र, फिर सरसों, अनाज जैसी फसलें उगाई जाती थी। लोग विशेष रूप से मिट्टी के जहाजों का उपयोग कर रहे होंगे क्योंकि पुरातत्वविदों ने इनमें से कुछ जहाजों को ढूंढ लिया है। इस समय मिले कुछ बर्तनों में उनके चित्र है। इन बर्तनों को ग्रे रंग में रंगा गया है, समझ रहे हो आप, ग्रे रंग में रंगा गया है। और जो सिंपल घर में रहते थे, कुछ ऐसे खाने की चीजें जो हमने बताया आपको कि वीट, राइस, बार्ली, वो सब वो खाने के काम में लेते थे। एट दिस टाइम रूलर्स ऑफ एवरी स्टेट डिड एवरी पॉसिबल थिंग्स फॉर द डिफेंस ऑफ द हिज स्टेट। फॉर दिस रीजन स्ट्रॉन्ग एंड हाई फोर्ट्स वेर बिल्ट अराउंड द स्टेट कैपिटल। Plenty of stones and bricks were used in it. Some of the kings used to build large, tall and magnificent wall around their kingdom to showcase their power and prosperity. The brick wall from Prayagraj dates back to around 2500 years ago. So we can say that forts with high walls might have been constructed at this time. इस समय हर राज्य के शासक ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव काम किया। इस कारण राज्य की राजधानी के चारों ओर मजबूत और ऊंचे किले बनाए गए थे। इसमें बहुत सारे पत्थर और ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। कुछ राजा बड़ी ऊंची और शानदार दीवारों का निर्माण करते थे उनकी शक्ति और समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए। उनके राज्य के आसपास प्रयागराज से ईंट का निर्माण लगभग 2500 साल पहले हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि इस समय ऊंची दीवारों वाले किलों का निर्माण किया गया था। ऑल द महाजन पद्स ऑफ दिस टाइम नीडेड अ लार्ज आर्मी एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट फॉर द डिफेंस। पीपल वेयर टैक्स्ड टू मीट दिस नीड। Farmers used to give a sixth part of their yields to the treasury. The artisan used to work for the state for one day in a month. Cattle rears gave cattle as a part of tax. The merchants used to pay tax on a sale of goods. During the period of Mahajanapad, agriculture started to improve due to iron tools. इस समय के सभी महाजनपदों को अपनी रक्षा के लिए एक बड़ी सेना और एक मजबूत किले की आवश्यकता थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए लोगों पर कर लगाया गया था। किसान अपनी उपज, जो उनकी उपज होती थी, उनका छठा हिस्सा वो राजा को देते थे। कारीगर राज्य के लिए काम करते थे। महीने में एक दिन के लिए वो काम करते थे। फिर जो पशुपालन वाले होते थे वो भी पशु को देकर अपना कर का हिस्सा हो वो उनको राजा को देते थे। मतलब जो पशुपालन वाले हैं, जिसकी भेड़ बकरियां होती है, तो वो भेड़ बकरियां राजा को कर के रूप में देते थे। माल की बिक्री पर व्यापारी पर कर देते थे। महाजनपद की अवधि के दौरान लोहे के औजार के कारण कृषि में सुधार होने लगा। नो दिस महावीर स्वामी एंड गौतम बुद्ध बोथ वंडर्ड इन दिस रिपब्लिक्स एज अ पेडेस्ट्रियन बुद्धिस्ट एंड अ जैन स्क्रिप्चर गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिपब्लिक्स। सिंस महात्मा बुद्धा वॉज बोर्न ड्यूरिंग द एरा ऑफ अ रिपब्लिक, द एरा इज ऑल्सो नोन एज अ बुद्धिस्ट एरा। एट अदर प्लेस इन द वर्ल्ड द वे इन विच द सिटीज ऑफ स्पराटा, एथेन, रोम, ग्रीस एक्सेट्रा डिस्क्राइब एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। In the same way, republics of ancient India can be represented as a democratic state. महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ही इन गण राज्यों में पैदल यात्रा के रूप में भटकते रहे थे। धर्म और जैन, बुद्ध धर्म और जैन शास्त्र हमें गण राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म गणतंत्र काल के दौरान हुआ था, इसलिए इस युग को बुद्ध काल के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के अन्य स्थानों पर जिस तरह से स्पार्टा, एथेंस, रोम, ग्रीस शहरों को लोकतांत्रिक राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, उसी तरह से प्राचीन भारत के गणतंत्रों को लोकतांत्रिक राज्यों के रूप में भी जाना जा सकता है। तो यहाँ ये अपना चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।